बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूअर, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसी रेमेडी बताऊंगी जिससे इजी से आपका रंग बिल्कुल वाइट हो सकता है। ये एक ऐसी रेमेडी है आप घर में आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इनमें वो चीज़ें इस्तेमाल हैं जो घर में बिल्कुल आसानी से मिल जाती है। मगर इससे पहले ये कहना चाहती हूँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। मेरे चैनल में मैं कुकिंग की वीडियोस भी होती हैं, आप मेरी वीडियोस में देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखी है तो। बहुत ही इजी है और बहुत ही आसानी से घर में कर सकते हैं। आपको इसका इस्तेमाल सिर्फ महीने में एक बार करना है, आप अपना फ़र्क खुद देखेंगे। मैं आज आपको ऐसा नुस्खा बताऊंगी जो टमाटो के ज़रिए होता है। मैंने एक अदर टमाटो लिया था, उसको क्रश कर लिया था और इस तरह का पल्प निकाल दिया था। आप देख सकते हैं मेरी वीडियो में कि किस तरह का पल्प है और किस तरह मैंने क्रश किया है इसको। तो पल्प लेने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 2 टेबल स्पून बेसन। बेसन का नाम सुनते ही हमें पकोड़ों की याद आ जाती है, कितने अच्छे लगते हैं पकौड़े। आप अगर पकौड़ों की रेसिपी चाहते हैं तो हमारी वीडियोज़ पर देख सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी, देखिए मैंने इसमें वैसलीन ऐड कर दिया है। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी और मिक्स करने के साथ साथ मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा लीमू। अगर आप चाहें तो सेंसिटिव स्किन है अगर आपकी, तो आप लीमू भी ऐड ना करें तो भी चलेगा। अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये बहुत ही इजी भी है टोटका और ये बहुत आसानी से घर में हो सकता है। टमाटर भी हमारे घर में होते हैं और वैसलीन भी हमारे घर में होता है। सर्दियों के मौसम में वैसलीन का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, इससे स्किन बहुत सॉफ्ट और स्मूथ होती है। और मैंने इसमें ऐड किया लेमन, लेमन भी हमारे घर में मौजूद होता है। अगर आप इस रेमेडी के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। आपको इसका इस्तेमाल महीने में एक दफ़ा करना है। आपको इसको स्किन पर लगाना है और 15 मिनट के बाद अपना फ़ेस वॉश कर लेना है। नीम गर्म पानी से आपने अपना फ़ेस वॉश करना है। अगर आपको ये रेमेडी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।